मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस यही है। क्या केस? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कम पड़ रहे हैं प्रॉफिट्स, करे मत दो। तो बिल्कुल ना दें, कैसे दें, वही तो सीखना है। तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है। ए एंड बी हैव कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर आना होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 और नेट प्रॉफिट है 30,000। अब ध्यान से देख, तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ IOC कौन है? पार्टनर्स ए बी 4 लाख 2 लाख 6%। तो ए का क्या हुआ, कितना है? 6%। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 24,000। बी का कितना है? 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 36,000। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट्स ही कितने हैं? 30,000 है। प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, यस और नो? प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, तो क्या करें? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ऐसा कुछ लिखा है कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? नहीं। क्या ऐसा कुछ लिखा है कि इट विल बी पेड इवन इफ इट लीड्स टू अ लॉस? नहीं। तो आपके पास सिर्फ 30,000 ही है, वो 30,000 किस रेशियो, क्या करें? ए को मिलना चाहिए 24,000, बी को मिलना चाहिए 12,000, 36 मिलने चाहिए, लेकिन हमारे पास 30,000 है, तो क्या करें? पहले ए को दें या बी को दें? हम बस इतने पैसे ही नहीं है कि हम दोनों को पूरा इंटरेस्ट दे पाए। तो 30,000 क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, बताओ क्या करूं? रॉन्ग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा। हाँ, इक्वली भी नहीं होगा। इफ द प्रॉफिट्स, यही तो सारा कॉन्सेप्ट है, इफ द प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द रेशियो इन विच द पेमेंट वॉज ड्यू, कितना ड्यू था? 24 और 12। ए को कितना था? 24। बी को क्या था? 12। दैट इज 2:1 रेशियो, पूछ रहा हूँ, रेशियो रेशियो। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, कह रहा जिस रेशियो में पेमेंट मिलनी चाहिए थी ना, उसी रेशियो में जितना पैसा है वो उस रेशियो में दे दो, वो सबसे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये रेशियो इस केस में क्या है? 2:1 विच इज द कैपिटल रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट हुआ था? कैपिटल पे कैलकुलेट हुआ था। तो जितना कैपिटल होगा रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी तो रेशियो वही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है सिर्फ। आगे जाके हम करेंगे कि अगर सैलरी नहीं दी तो कुछ भी आएंगे, चीजें आएंगी तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट्स इनसफिशियंट हैं, तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? जिस रेशियो में पेमेंट करनी थी, और वो कौन सा रेशियो है? कैपिटल रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन है पार्टनर्स? ए एंड बी। ए को क्या मिल जाएगा? 20,000। थर्टी थाउजेंड इंटू 2/3 विच इज 20,000, और बी को क्या मिल जाएगा? 30,000 इंटू 1/3 विच इज 10,000। समझ आया 30,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब केसेस इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।